दोस्तों, अगर आप भी GB WhatsApp का इस्तेमाल करते होंगे तो आपके भी GB WhatsApp में अब ये वाला फंक्शन ज़रूर देखने को मिलता होगा। इसको हटाएंगे कैसे और इसका क्या करना है और ये क्यों आया है आपके GB WhatsApp में, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ आप मेरे बने रहें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इसका फंक्शन क्या है। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये सभी देशों के भाषाओं का नाम जो है आपके सामने लाकर रख देता है। आप जिस भी भाषा को चूज करना चाहते हो उसको आप चूज कर सकते हो, यानी कि आप जिस कंट्री से हैं आप उस लैंग्वेज को चूज कर लीजिए। चूज करने के बाद देखिए, जैसे कि मैं हिंदी से हूँ यानी इंडियन से हूँ, तो मैं हिंदी भाषा को चूज कर ले रहा हूँ। जैसे ही मैं हिंदी पर टाइप करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख के आता है, यानी कि लैंग्वेज भी इसका नहीं चेंज होता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अभी जो है इसका जो ऑप्शन है लैंग्वेज का वो दे दिया है, लेकिन अभी ये ठीक तरह से अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि लैंग्वेज को अभी ठीक तरह से अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए ये जो भाषा का चेंजिंग होता है लैंग्वेज चेंजिंग यहाँ पर अभी नहीं हो रहा है। तो इसके पीछे इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब अपडेट लैंग्वेज का आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका लैंग्वेज शो होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कि आप इसको हटाएंगे कैसे। दोस्तों, कई लोगों को परेशानी हो रही है कि इसको आप हटाना चाहते हैं लेकिन फिर भी हटा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, इसको आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये GB WhatsApp का दिया हुआ एक फंक्शन ही है, यानी कि कंपनी ने जो आपको फंक्शन दिया है उसको आपको इस्तेमाल करना ही होगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। जैसे कि वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, चैटिंग, ये सभी कंपनी की ही देन होती है। तो इस प्रकार से कंपनी ने आपको ये भी दिया है, लेकिन आपको इसका अभी इस्तेमाल करना नहीं आता है क्योंकि इसका अभी अपडेट पूरी तरह से नहीं हुआ है। जिस दिन इस लैंग्वेज का अपडेट हो जाएगा तो आप इसका भी इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, यानी कि आप जो कुछ भी यहाँ पर चैटिंग करने के लिए लिखते हैं उसको आप डायरेक्ट यहीं से भी आप चैट कर सकते हैं, यानी कि बोल कर भी आप चैटिंग कर पाएंगे। बस इसका अपडेट यही है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको कतई भी हटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये GB WhatsApp की तरफ से ही दिया हुआ एक अपडेट है। दोस्तों, पहले आपने ध्यान दिया होगा कि ये आपके WhatsApp पर नहीं होगा, लेकिन जब आपका GB WhatsApp एक बार अपडेट मांगा और आपने उसे अपडेट कर दिया तो इसके बाद ये आपके GB WhatsApp में ऑटोमेटिकली आ गया, तो अब ये नहीं हटेगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस लैंग्वेज की प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आपको हटाना है या हटेगा नहीं हटेगा, ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लाऊं उस तरह आप तक सबसे पहले पहुंचे।